ओके कंपेयरिंग क्वांटिटी स्टैंडर्ड 7। ओके अभी ये चार पांच क्वेश्चन लास्ट बचे हैं, उसके बाद में आपका ये कंपेयरिंग क्वांटिटी वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एक्सरसाइज नंबर 8.3, तो हमने कहा तक देखा था लास्ट 7 तक देखा था, तो हम स्टार्ट करते हैं आज 8 नंबर का क्वेश्चन। अमीना बाइस अ बुक फॉर 275 एंड सेल इट लॉस ऑफ 15%। 15% लॉस मतलब कि अगर मेरी कॉस्ट प्राइस 100 है, मेरी नहीं किसकी है, ये यहाँ पे नाम दिया हुआ है अमीना, तो अमीना अगर 100 कॉस्ट प्राइस है ना, तो उसकी सेलिंग प्राइस 85 होगी। कितनी होगी? 85 होगी। तो यहाँ पे आपको सेलिंग कॉस्ट प्राइस दी हुई है, अमीना बाय सब बुक, तो कितने में बाय कर रही है वो 275 में। कितने में बाय कर रही है? 275। 27 से अगर बाय करेगी तो उसकी सेलिंग प्राइस कितनी होगी? तो ये फिर से हमारा ये 1 नंबर ले लो, ये 2 नंबर ले लो और ये 3 नंबर। तो 275 ऊपर 85, नीचे 100। 25 से अगर हम काटेंगे तो 25 से ये 4 आ जाएगा। 25 से अगर हम काटेंगे तो ये आपका 11 आ जाएगा। ओके तब क्या करेंगे हम? 85 क्रॉस 11 डिवाइडेड बाय 4। 85 क्रॉस 11, 85 3 1 9। तो क्या है आंसर? 935 को 4 से काटो। क्या? 935 को 4 से काटो तो 4 से काटेंगे तो 4 2 जा ये 1 बचा, तो 4 3 जा ये अब भी 1 बचा, तो 3 अब 3 बचा तो पीछे 0 आ जाएगा, तो ये 7 और ये 20 बचा तो 5। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 233.75। क्या आंसर आ जाएगा? 233.75। फिर से देखो, अमीना बाय कर रही है बुक कितने में? 275 रुपीज में, और वो उसको सेल कर रही है 15% लॉस में। तो अमीना 50% लॉस का महीने क्या होता है कि अगर आपकी कॉस्ट प्राइस 100 है तो आपकी सेलिंग प्राइस उसमें से 15% मिले 85 हो जाएगा। तो अब 275 अगर है उसकी प्राइस, तो उसकी सेलिंग प्राइस कितनी होगी? तो ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, तो 3 क्रॉस 2 डिवाइडेड बाय 1, तो वो प्रोसेस हमने किया तो हमारा आंसर क्या आता है? 233.75। ये क्या आ गया आपका? हाउ मच डज सी सेल फॉर इट। तो ये इसने अगर 275 में उसने बुक खरीदी है ना, तो उसने 233.75 रुपीज में होगी वो बुक बेची होगी, तब जाके उसको 50% लॉस हुआ होगा। ओके अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन। फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 3 ईयर इन ईच केस। ओके तो चलो दोनों सेम ही हैं तो एक करवा देता हूँ। तो चलो पहला वाला देख लेते हैं, क्या दिया हुआ है ए में आपको? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मीन्स क्या दिया हुआ है? पी। पी कितना दिया हुआ है? 1200। फिर पी ए मीन्स पर एनम परसेंटेज। पी ए परसेंटेज मीन्स पर एनम परसेंटेज, तो उसको हम क्या बोलते हैं? आर। उसको हम क्या बोलते हैं? आर। तो उसकी वैल्यू आपको दी है 12%। क्या दी है? 12%। फिर एन, एन मीन्स नंबर ऑफ ईयर्स, याद हो टर्म्स पी आर एन। यहाँ पे टी भी ले सकते हो, यहाँ पे टी दिया हुआ है टर्म, टर्म के काउंटिंग में टी तो ये 3 ईयर्स, तो 3 ईयर्स आपको दिया हुआ है। तो आपको क्या पूछा है कि फाइंड अमाउंट जो उनको पेड करना है। तो अमाउंट फाइंड करने के लिए पहले इंटरेस्ट फाइंड करना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट क्या होता है? पी आर टी अपॉन 100। तो पी कितना है? 1200। आर कितना है? 12। टी कितना है? 3 अपॉन 100। 0000 यहाँ पे भी, यहाँ पे 00, तो 12 3 36, और 36 मल्टीप्लाई 12 तो कितना आता है आंसर? 360 और ये 72, तो क्या आ गया आंसर? ये 2, ये 3 और ये 1, तो 4 कितना आया? कितना आया आप देखो? 432। कितना आया? 432। लेकिन ये 432 क्या आया आपका? इंटरेस्ट आया। 432 क्या आया? इंटरेस्ट आया। लेकिन आपको पूछा क्या है कि फाइंड द अमाउंट टू बी पेड, 3 साल के बाद उसको कितना अमाउंट पेड करना पड़ेगा। तो अमाउंट में क्या होता है? जो हमने पहले पैसे लिए हुए वो पैसे,
और क्या होता है इंटरेस्ट, तो वो पैसे और इंटरेस्ट दोनों का सम कर दो तो पैसे कितने हैं 1200 और उसमें ये इंटरेस्ट दोनों का सम कर दो तो 1200 और 432 दोनों का अगर हम सम करेंगे तो कितना आएगा, 1200 और 432 का हम सम करेंगे तो कितना आएगा 1632, कितना आता है 1632। ओके तो वैसे ही हम 9 का बी भी ऐसे ही कर सकते हैं कि यहाँ पर पी दिया है, आर दिया है और एन दिया है, तो आई इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100 से पहले आई फाइंड करो, जो भी आई आता है उसको आप 7500 में सम कर दो, तो ये जो भी आपका जो सम आता है ना वही आपका हो जाएगा कि कितना अमाउंट आपको 3 साल के बाद मीन्स वापिस करना है वो। ओके तो ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 8 और एग्जाम्पल नंबर 9। तो एग्जाम्पल नंबर 9 है वो सिंपल इंटरेस्ट पे है, फिर से अगर कोई भी इंटरेस्ट के बाद में अमाउंट पूछता है तो सिंपल आपने जो अमाउंट लिया है उसमें आप इंटरेस्ट को ऐड कर दो तो दोनों का सम होगा, तो आपको कितना अमाउंट देना है वो आपको पता चल जाएगा।